दोस्तों अगर आपके पास भी एप्सन का L3110 मॉडल जो आपका प्रिंटर है, अगर ये प्रिंटर है आपके पास और आप पावर ऑन कर रहे हैं यहाँ से और पावर ऑन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब समझिए कि आपका प्रिंटर है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तो पैसा बर्बाद। इसके अंदर कार्ड होता है, ठीक है, जो कार्ड होता है उसी से ये बोल सकते हैं आप, मदरबोर्ड टाइप का कार्ड होता है जैसे सीपीयू में होता है, उसके अंदर से पावर सप्लाई जाती है, इसको सप्लाई कार्ड भी बोल सकते हो आप। उस सप्लाई से हेड कनेक्ट रहता है, हेड के अंदर कुछ शॉर्टेज होती है जिससे वो कार्ड खराब हो जाता है। अब जब इसमें क्या होता है कि जब आप इसे ऑन करते हैं और ये ऑन नहीं होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है आपको कि कार्ड और जो वो कार्ड होता है और जो हेड होता है जो प्रिंटर जिस पे चलता है, वो दोनों के दोनों साथ ही साथ आपको चेंज करवाने पड़ेंगे, जिसका जो कॉस्ट पड़ेगा वो आपको करीबन 4-5 हज़ार रुपये हेड का और 2500-3000 रुपये कार्ड का आपको कॉस्ट पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, नया प्रिंटर ले लेना है, ये प्रिंटर नहीं लेना है क्योंकि इस प्रिंटर के अंदर बहुत ज़्यादा इशू आ रही, दिक्कत आ रही है 3110 जो मॉडल है, क्योंकि अगर आप दोबारा से अगर वो कार्ड और वो ठीक करवाते हैं तो उसकी जो गारंटी वारंटी होती है वो एक दिन की भी नहीं होती है, तो दोबारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने इसे ठीक करवाया था, कार्ड हमने नया डलवाया था 2500 रुपये का इसके अंदर, और ये 2 या 3 दिन चला, उसके बाद दोबारा से यही सेम प्रॉब्लम आ गई है। अब सेम वो मैकेनिक यही कह रहे हैं कि आपका जो हेड है और कार्ड है दोनों साथ में चेंज होगा जब चल सकता है, अदरवाइज अगर हमने वो भी करवा दिया तो उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि दोबारा से ना खराब हो जाए। तो इस कंडीशन में जो ये प्रिंटर का मॉडल है L3110, इस मॉडल को खरीदने से बचे, इसको यूज करने से बचे, अगर ऐसा कुछ हो जाता तो फिर नया प्रिंटर ले लें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।